अस्सलाम वालेकुम। इल्म की शमा में आज एक बार फिर ईरानी सामान की कुछ चीज़ें लेकर, ख़ासतौर पर शैम्पू लेकर हाज़िर हुई हूँ। लोगों ने कहा था कि आप शैम्पू का रिव्यू ज़रूर कीजिए कि शैम्पू कैसा है, और शैम्पू के बारे में आप ज़रूर बताइए कि शैम्पू क्या आपने यूज़ किया है। तो हाँ, बिल्कुल, मैंने ईरानी शैम्पू यूज़ किया है और मैं आप लोगों को आज इस बारे में बताऊँगी मैंने कौन कौन से शैम्पू यूज़ किए। मैंने एक ये ब्लैक ऑलिव शैम्पू यूज़ किया था और ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा ब्लैक ऑलिव, इसकी स्मेल, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। और ये तकरीबन आधी बॉटल हो चुकी है, ये इतनी बॉटल बाकी है। ये मैंने तकरीबन एक से डेढ़ मंथ पहले मैंने ये ख़रीदी थी और इसकी जो प्राइस थी आई थिंक 320 रुपये के करीब इसकी को प्राइस थी। और ये प्राइस यकीनन आप लोग यही कहेंगे कि महंगी है, तो हाँ भाई, ईरानी वालों ने अब चीज़ें महंगी कर दी हैं। तो ये मैंने 320 की ली थी, जबकि अब इस बार जब मैं गई तो मुझे एग शैम्पू जो है वो ऑर्गेनिक मिल गया। ये ऑर्गेनिक शैम्पू है एग, तो ये मुझे नज़र आया तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने सोचा चले इसे भी ट्राई करते हैं। तो ये मैंने ट्राई किया और इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस है। ये देखिए, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये मियामी कंपनी है, मियामी, ठीक है। तो ये मियामी कंपनी का ग्लिसरीन हेयर केयर एक्स्ट्रा जेंटल बैलेंसिंग स्मूदिंग प्रोटेक्टिंग एंड रिपेयरिंग, ये ऑर्गेनिक है और इस वजह से मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने इसे यूज़ किया। ये देखें, यहाँ तक ये पूरी यहाँ तक थी, ये यहाँ तक हो चुकी है और ये मैं तकरीबन इसे 2 बार इस्तेमाल कर चुकी हूँ और वाकई बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है, क्योंकि इसमें ग्लिसरीन है, एग भी है और आलमंड भी है। इसमें बहुत सारे फ्लेवर हैं और बहुत सारे फ्लेवर में ये मौजूद है। और इसके अलावा ऐसी ही मियामी कंपनी की एक दूसरी बॉटल आती है जो कि 200 की है, वो भी मैंने जो है वो ली थी, वो मैंने अपनी सिस्टर के लिए ली, तो मैंने वो उन्हें दे दी और उन्होंने भी बताया कि वो बहुत ही अच्छी है, जबकि प्राइस उसकी 200 है और इसकी प्राइस जो है वो 350 रुपये मैंने ली है, 350। तो वजह इसकी है कि ये ऑर्गेनिक है और वो जो है वो उस पर ऑर्गेनिक नहीं लिखा हुआ, ठीक है, और है वो भी एग की और उसमें भी बहुत सारे फ्लेवर आते हैं और कंपनी सेम है मियामी। और दूसरी बात ये है कि इसकी जो इसमें जो ml है, इसमें 750 ml लिखा हुआ है, 750, और उसमें भी 750 ml ही लिखा हुआ था। तो ये 750 ml की दोनों बॉटल्स, दोनों मियामी कंपनी की, और दोनों जो हैं वो अच्छी हैं। एक 200 की थी और एक 350 की, तो मैंने अपने लिए ये ली और उनके लिए जो है वो 200 वाली ली, वो भी बहुत ही अच्छी थी। और ये भी कंपनी, ये कौन सी कंपनी है, ये भी मियामी कंपनी का ही है, ब्लैक ऑलिव, और ये भी अच्छा शैम्पू था और जिसे मैंने काफ़ी यूज़ किया, इतना यूज़ हो चुका है। अब यह है कि मैंने थोड़ा सा इसको साइड पे कर दिया, नई बॉटल आई तो उसी को यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वो ज़्यादा अच्छी है। और ये जो है ये क्रीम मैं 1 मंथ पहले लेकर आई थी और ये बहुत बेहतरीन क्रीम है और ये मॉइस्चराइजिंग एवोकाडो क्रीम है, जिसको मैंने पहले भी दिखाया था लेकिन ओपन नहीं हुई थी तब, अब ये ओपन हो चुकी है और काफ़ी यूज़ भी हो चुकी है और ये बहुत है अच्छी, और ये बहुत अच्छी क्रीम है और इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है, बहुत बेहतरीन क्रीम है। और इसमें 3 जो है वो आती हैं, इसमें 3 फ्लेवर आते हैं, एक एलोवेरा का भी आता है और एक ग्रीन एप्पल आता है और एक ये ऑयल एवोकाडो ऑयल, ये एवोकाडो ऑयल आता है। तो ये है सोपेक्स कंपनी की ओरिजिनल और ये बहुत बेहतरीन है और मैंने इसे यूज़ किया है, तकरीबन 1 मंथ से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ और मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगा है। मैं ईरानी केक के डब्बे को दिखाना चाहती हूँ आपको कि ये केक श्री असल कंपनी का है ये बॉक्स, और मैं ये परचेज़ करके लाई और ये 550 का ये बॉक्स मुझे पड़ा, इसमें 24 पीस होते हैं, 24 पीस, और ये केक बहुत बेहतरीन है, खाने में बहुत लजीज है। ये डब्बा तकरीबन खाली हो चुका है और मैं इसका रिव्यू इस वक्त कर रही हूँ जब ये तकरीबन खाली हो चुका है। देखें, इसमें सिर्फ अभी 4 पीस रह गए हैं, तो मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ, दरअसल मुझे मौका नहीं मिला, बहुत बहुत मसरूफियत थी इस हफ्ते मेरे पास, तो इस वजह से मैं जल्दी नहीं बना सकी, लेकिन जाहिर सी बात है खाने की चीज़ है तो खाने की चीज़ से तो कोई हाथ रोक नहीं सकता। अब ऐसे 4 पीस पड़े हुए हैं और डब्बा हो चुका है पूरा खाली, तो ये मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखाऊं कि ये केक बहुत अच्छे हैं और मैं आप लोगों के सामने खोल कर भी बताऊँगी, ये बहुत ही ज़बरदस्त केक है। ये देखें, श्री असल कंपनी का है और 550 इसकी मैंने आपको प्राइस भी बता दी, बहुत बेहतरीन, बहुत लजीज,
और खाने में बहुत यमी है। ये देखेंगे, मुझे आपको नजर आ रहा होगा, ये देखिए बहुत 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 यमी, टेस्टी और क्रीमी। वाओ, ये देखिए आपको दिख रहा होगा। यहाँ से अब मैं इसे तोड़ने वाली हूँ और मैं इसे खाने वाली हूँ, तो अगर आप चाहे तो आप ले लीजिए, लेकिन मुझे नज़र मत लगाइए प्लीज़, क्योंकि केक वगैरह मुझे बहुत पसंद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाओ, देखिए बहुत बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यम्मी, ज़बरदस्त। और मुझे चॉकलेट और केक्स बहुत पसंद है, तो इस वजह से ये तो मेरी कमज़ोरी है, तो मैं इसे पूरा ही खा जाऊँगी। तो ये केक हम लोगों ने बहुत बहुत इन्जॉय किए हैं, तो अब इंशाल्लाह इस बार फिर जाऊँगी तो ये केक का डब्बा ख़त्म हो चुका है, तो देखते हैं ये या फिर इसका कोई भाई केक, यानी कि इसका इसी के जैसा कोई दूसरा केक ज़रूर ट्राई करने के लिए लाऊँगी। और अगर आप कहेंगे तो मैं उसकी भी वीडियो बनाऊंगी। आप लोग कमेंट किया कीजिए, क्योंकि कमेंट करना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, हमें पता चलता है कि आप लोग कितनी शौक से और कितने दिल से हमारी वीडियो को देखते हैं। तो कमेंट का मैं वेट करूंगी इस केक के साथ। अब नई वीडियो जब भी आएगी आप लोग ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि पता चले कि किस कदर डिलिशियस केक होते हैं ईरान के। ज़बरदस्त। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपके कमेंट का मैं बहुत बेचैनी से इंतज़ार करती हूँ और आपके कमेंट का जवाब देने की भी पूरी कोशिश करती हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और आप बताइए कि और क्या जानना चाहते हैं ईरानी सामान में से। और इसके अलावा भी बहुत सारी वीडियोज़ मेरी आती रहती हैं जड़ी बूटियों के बारे में, बहुत सारे नुस्खे भी बताती हूँ, तो वो आपको कैसे लगते हैं वो भी देखा कीजिए। देसी इलाज हमें बहुत सारी बीमारियों से बहुत कम नुकसान के साथ बेहतर करने में मदद देता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगेबान।